Hello friends welcome to wifi-study.com one stop destination for all competitive exam presents the economics vocabulary powered by vocab24 app. So friends let's start from the first word of the day that is the plethora. The meaning of the plethora is a larger, excessive amount of something, an excess of If you have something in excess of then that thing is known as the plethora. Synonym of this word is overabundance, plenty, provision. सरफीड एंड ग्लट एंड एंटेम्स लैक नीड स्केरसिटी वॉन्ट फ्यू लिटिल एंड रेडिटी ओके सो दिस वॉट इज इंपॉर्टेंट फॉर यूर फ्रेंड यू नीट टू रिमेंबर दिस नॉलेज इज एग्जाम्पल यू कैन फाइंड ए प्लेथरा ऑफ बुक्स ऑन द सब्जेक्ट ऑफ क्रिएटिंग वीडियो गेम्स यानि कि आपको अगर वीडियो गेम क्रिएट करना है तो उसके ऊपर आपको बहुत सारी किताबें मिल जाएगी इस सब्जेक्ट के ऊपर नॉलेज से रिलेटेड वर्ड्स प्लेथोरिक यानि कि प्रच्योर नवरचद ट्रिक थोड़ा थोड़ा करके आपने प्लेथोरा मनी प्लेथरा मनी कलेक्ट कर लिया तो देखिए थोड़ा थोड़ा करके आपने क्या कर लिया प्लेथरा मनी कलेक्ट कर लिया यानी कि बहुत सारा मनी इकट्ठा कर लिया ओके okay, देखिए थोड़ा थोड़ा और प्लेथरा एक जैसे वर्ड्स हैं ओके okay, तो थोड़ा थोड़ा करके आपने प्लेथरा मनी इकट्ठा कर लिया यानी कि बहुत सारा मनी इकट्ठा कर लिया तो आप इस तरीके से इसको इजीली याद कर सकते हैं देखिए थोड़ा थोड़ा और प्लेथरा दोनों ही एक जैसे वर्ड्स हैं तो आप क्या करेंगे कि आपने थोड़ा थोड़ा करके प्लेथरा मनी इकट्ठा कर लिया तो प्लेथरा का क्या मतलब हुआ अधिकता बहुत ज्यादा आपने मनी इकट्ठा कर लिया कैसे करके थोड़ा थोड़ा करके एलिजियंस वॉयल्टी और कमिटमेंट टू ए सुपीरियर और टू ए ग्रुप और कॉज निष्ठा या फिर वफादारी नॉलेन

इसका मतलब है एडरिंग फ्रिमली एंड डिवोटेडली एज टू ए पर्सन और कॉज और ए ड्यूटी निष्ठावान ओके जो बहुत अपनी जिम्मेदारियों को हमेशा निभाता है वफादार रहता है उसको अपन बोलते हैं एलिजियंट नाउ लेट्स द ट्रिक ऑल रिलीजन को इंडिया से एलिजियंस दिखाना चाहिए अब देखिए कितना आसान हो गया ये वर्ड आपको याद करने के लिए ऑल रिलीजन को इंडिया से क्या दिखाना चाहिए एलिजियंस दिखाना चाहिए सभी को पता है इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट रिलीजनस हैं और सभी एक साथ में रहते हैं यहाँ पे तो सभी लोगों को देश के प्रति एलिजेंस दिखाना चाहिए तो ऑल रिलीजन को इंडिया से एलिजेंस दिखाना चाहिए तो देखिए यहाँ पे ऑल आ रहा है तो यहाँ पे भी ऑल आ रहा है साथ में यहाँ पे रिलीजन और एलिजेंस एक जैसे वर्ड है रिलीजन और एलिजेंस तो ऑल रिलीजन को इंडिया से एलिजेंस दिखाना चाहिए तो इस तरीके से हम इसको एजली याद कर सकते हैं और आप इसको यूज भी कर सकते हैं डेली लाइफ में ताकि आपको ईजिली याद हो जाए नाउ ना ले वन गैरिज obtrusively bright and showy something that is elaborate showy striking and in a bad taste so hota hai okay if somebody is trying to show something bright color or something he is trying to show off something that that thing is known as the garish synonym of this word is gaudy lurid showy ostentatious antonyms are normal simple modest and drab नाउ लेट्स नाउलेस एग्जांपल रैपर्स आर नोन फॉर वेयरिंग गैरिज एसर लाइक जाइंट गोल्ड चेन्स जो रैपर्स होते हैं ओके okay, तो रैपर्स क्या करते हैं वो जाना जाते हैं क्या कि इसके लिए वेयरिंग गैरिश यानी कि बहुत ही दिखावटी चमकीले भड़कीले जो एक्सेरीज है उसके लिए और क्या सा जैसे कि वो एक गोल्ड की चेन भी पहनते हैं ओके जॉइंट साइज़ की गोल्ड चेन अब लेटेड वर्ड है गैरिशली यानी कि दिखावटी ढंग से एंड गैरिशनेस यानी कि दिखावटी पन नाउलेट इस ट्रिक गुंडे गैरिश ड्रेस पहनते हैं तो देखिए कितना आसान है गुंडे गैरिश ड्रेस पहनते हैं सभी को पता है जो गुंडे होते हैं वो हमेशा येल्लो और ऐसे ऐसे ड्रेस पहनते हैं जो कि बहुत ज्यादा कैसे होती है गैरिश होती है तो गुंडे गैरिश ड्रेस पहनते हैं ये बात सभी को पता है तो इस तरीके से आप इन दोनों को रिलेट करके लिए याद कर सकते हैं कि गुंडे गैरिश ड्रेस पहनते हैं ओके और अगर फ्रेंड अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बट सो दैट वी कैन प्रोवाइड यू मोर कंटेंट एंड वी कैन हेल्प यू टू क्लियर योर एग्जाम नाउ लेट्स अनदर वन दैट इज रॉकर्स डिसग्रेसिवली हार्श और स्टूडेंट बॉस्टेरियसली डिसऑर्डरली गंभीर या फिर कर्कश

कर्कशता पूर्वक एंड स यानी कि उग्रता नाउ लेट्स नाउन ट्रिक यूएस का रॉक स्टार रॉकस है देखिए कितना आसान है यूएस का यूएस का रॉक स्टार यानी कि यूएसए तो यूएस का रॉक स्टार रॉकस है ओके यानी कि बहुत ही गंभीर है कर्कश है ओके उग्र होने के जल्दी उग्र हो जाता है ठीक है तो डिसग्रेसिवली हास्ट और स्ट्रीडेंट तो देखिए यहां पे भी आसार है यूएस और यहाँ पे भी आसारा है तो देखिए यूएस का रॉक स्टार कैसा है रॉकस है तो इस तरीके से आप इसको इजली याद कर सकते हैं कि यूएस का रॉक स्टार रॉकस है पर्टिकुलर आउटकम संकेत करना इफ यू आर इफ यू आर ट्राइंग टू फोरटेल फोर्ल समथिंग दैट दैट थिंग इज नॉन इज द बोर्ड ऑफ दिस वर्ड इज इंडिकेट फोरकास्ट ऑगर प्रिसेज प्रोटेंट फोर्टेल प्रोस्परी एंड प्रिडिक्ट प्रिडिक्ट सो फ्रेंड दिस वट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू एंड यू नीड टू रिमेंबर दिस एंड नाउ लस द एग्जाम्पल द ओपनिंग ऑफ द कार प्लांट विल बोड वेल फॉर द टाउंस इकनॉमिक सिचुएशन यानी कि जो ओपनिंग ऑफ द कार प्लांट जो कार प्लांट टाउन में ओपन हो रहा है तो उससे संकेत मिलेंगे कि वहाँ पे इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी हो जाएगी देखते हैं इसके वर्क फॉर्म्स बोर्ड बोर्डेड एंड बोर्डेड ऑल रिलेटेड वर्ड है बोर्डमेंट यानी कि भविष्य कथन नाउ नॉलेस ट्रिक बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है इसका बोर्ड मिला यानी कि बोर्ड एग्जाम आपने जो दिया था सभी ने बोर्ड एग्जाम दिया है टेंथ में ट्वेल्थ में तो बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है इसका बोर्ड है ओके तो इसका बोर्ड है यानी कि इसका संकेत मिल गया है बच्चों को ओके okay, कि बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है तो उनको क्या मिला बोर्ड मिला तो देखिए यहां पे बोर्ड और बोर्ड एक जैसे वर्ड्स हैं बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है इसका बोर्ड मिला तो इस बोर्ड मिला यानी कि संकेत मिला तो इस तरीके से आप इजीली याद कर सकते हैं दोनों ही वर्ड एक जैसे बोर्ड और बोर्ड ओके नाउ लेसन ऑन वन सो फ्रेंड दिस पेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल ऑफ यू इफ यू आर वीक इन वो कैब नॉट एबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन वो कैब यू कैन प्रोवाइड ए Power to your vocab by purchasing this pen drive course, uh, in which you will get assistive videos of 3000 words, and you in which you will get a very short trick, very short trick by which you will easily able to remember all the vocabs And if you want to assist this Y vocab 24 app, you will get in 497 rupees. And if you want in a pen drive course of 8 GB pendrive then you will get, yeah, you will get in 999. And if you have any query, you can use this number.

वेस्ट कर देती है जो कभी काम में नहीं लेती है नॉलेज द रिलेटेड वर्ड्स प्रीवियसली उपयोग शून्यता पूर्वक एंड फ्रीवरलेस फ्रीवसलेसनेस यानी कि व्यर्थ था नॉलेज अ ट्रिक पता नहीं लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि फ्री फैबुलस गर्ल्स फ्रीवरलेस होती है देखिए पता नहीं लोगों को ऐसा क्यों लगता है क्योंकि अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि जो फैबुलस गर्ल्स होती है ओके फैबुलस गर्ल्स होती है जो ब्यूटिफल गर्ल्स होती है वो कैसी होती है फ्रीवरलेस -well होती है यानी कि बहुत सिली होती है ओके okay, तो यहां पे मैं फेबुलस को और फ्रीवलेस को रिलेट कर रहा हूँ फेबुलस और फ्रीवल्स तो आप पता नहीं लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि फेबुलस गर्ल्स फ्रीवलेस होती है तो देखिए फेबुलस और फ्रीवेलस एक जैसे वर्ड्स हैं जिससे आप इनको याद कर सकते हो तो जो कि ये स्टेटमेंट गलत है ऐसा नहीं है कि जो फेबुलस गर्ल्स होती है वो फ्रीवलेस होती है ओके लेकिन यहां पर ऐसा लोगों को लगता है कि पता नहीं लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि फेबुलस गर्ल्स फ्रीवलेस होती है तो इस तरीके से आप इसको इजिली याद कर सकते हैं इस वो को और आप इसको हमेशा के लिए याद रख सकते हैं नाउ नाउलेसन वन Newfangland of the newest style or kind attracted to novel novelty recently invented or developed and hard to understand of the newest style. Naveen Dhanka. So, whatever I think which is recently in, uh, invented and developed, that thing is known as the Newfangland. Now, let's see the synonyms New, latest, modern, novel, advanced, and new trick. And antonyms are old, old fashioned, outmoded, archaic. नाउलेट द एग्जाम्पल न्यू फेंगलैंड गैजेट्स आर लव बाई एवरी कंटेम्प्रेरी पर्सन यानि की जो नवीन जो नवीन ढंग से बने हुए हैं नए नए बने हुए गैजेट्स हैं वो सभी मॉडर्न पर्सन उसको पसंद करते हैं एंड लेटर वर्ड्स आर न्यू फेंगलैंड न्यू फंगलैंड यानी कि नया पन नाउले द्रिक ये न्यू फैन न्यू फैंगलैंड है देखिए ये न्यू फैन कैसा है न्यू फेंगलैंड है देखिए न्यू फैन और न्यू फैन ओके okay, तो ये न्यू फैन जो आया ये कैसा है इसके अंदर हाईली टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई है और काफी चीज़ें इसमें नई यूज़ करी गई है तो अपन इसको क्या बोल रहे हैं कि ये न्यू फैन क्या है न्यू फैंगलैंड है यानी कि बिल्कुल ही नवीन ढंग का है ये इसमें रिसेंटली इसको इन्वेंट करा गया है और इसमें कई सारी टेक्नोलॉजी ऑन करी गई है तो ये न्यू फैन कैसा है न्यू फैंगलैंड है ओके यानी कि न्यूएस्ट स्टाइल का है तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं देखिए यहाँ पर न्यू आ रहा है और न्यू फैन पूरा आ रहा है यहाँ पर भी आ रहा है देखते हैं अगला

होने वाला है तो ये सभी यात्रियों को परेशान करेगा द नाउल फॉर्म्स रैंकल रैंकर्ड एंड रैंकर्ड एंड इसकी ट्रिक है सभी को अंकल का कमेंट अंकल के कमेंट रैंकल करते हैं ओके okay, तो सभी के घर में जब भी अंकल कोई आते हैं तो उनके जो कमेंट होते हैं आपके एजुकेशन को लेके आपके करियर को लेके तो हमेशा क्या करते हैं वो आपको जो भी बात बोलते हैं तो उनके कमेंट आपको क्या कैसे लगते हैं परेशान करते हैं तो कैसे लगते हैं रैंक लगते हैं तो अंकल के कमेंट रैंक लगते हैं तो इस तरीके से आप इसको इजली याद कर सकते हैं देखिए अंकल और रैंकल दोनों ही एक जैसे वर्ड्स हैं ओके तो अंकल के कमेंट रैंकल लगते हैं यानी कि आपको बहुत इरीटेट करते हैं आपको बहुत अनोय अनोय करते हैं तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं वन नटोरियस फेमस और वेल नोन टिपिकली फॉर सम बैड क्वालिटी और डीड कुख्यात इन फेमस

और इसका एग्जाम्पल की जो हिंदी है वो क्या है मनी टूरिस्ट अवॉइड द एरिया बिकॉज इट इज़ नटोरियस फॉर क्राइम यानी कि बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं वो इस एरिया को अवॉइड करते हैं क्योंकि वहाँ पर क्राइम कैसा है बहुत ही खुखियात है नॉलेज द ट्रिक क्लास के नोटी लोग नटोरियस होते हैं देखिए कितना आसान है अब याद करना इसको क्लास के नोटी लोग कैसे होते हैं नटोरियस होते हैं यानी कि बहुत ही बैड क्वालिटी की वजह से कॉलेज स्कूल में जाने जाते हैं वो ओके तो क्लास के नोटी लोग कैसे होते हैं नटोरियस होते हैं तो देखिए नोटी नटोरियस एक जैसे वर्ड्स हैं और आप इससे इसको इजिली याद कर सकते हैं ओके तो क्लास के नोटी लोग वो होते हैं जिनको भी काफ़ी फेमस होते हैं स्कूल में लेकिन बैड क्वालिटीज़ की वजह से होते हैं और नटोरियस भी वही हैं जिनको बैड क्वालिटीज़ की वजह से जाना जाता है तो क्लास के नौटी लोग नटोरियस होते हैं तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं ले वन Titular holding or constituting a purely formal position or title without any real authority. Nam Matrake. If you have a nominal power, okay, then that thing is known as a titular. Now let's see synonyms nominal in title, name only, formal, official, ephemeral. Antonyms are actual and real. Now let's see the example. Tibetan Buddhists are relatively small in number but highly visible because their titular hadith is. इज हिज़ होलीनेस दलाई लामा ओके यानी कि तिब्बीन जो बुद्धिस्ट है वो बहुत ही कम है नंबर में लेकिन बहुत ही ज़्यादा हाईली विजिबल है क्योंकि उनके जो नाम मात्र के जो हैड है वो कौन है होलीनेस दलाई लामा नाउ लेट इस द ट्रिक थोड़ी पावर मतलब थिथुलर पावर देखिए कितना आसान है थोड़ी पावर जिसके पास है वो कैसा है मतलब टिथुलर पावर थोड़ी थिथुलर देखिए एक जैसे वर्ड से है जिसके बाद थोड़ी पावर है वो कैसा है टिटुलर पावर है यानी कि उसके पास नाम मात्र की पावर है ओके तो थोड़ी और देखिए टिटुलर दोनों एक जैसे वर्ड्स हैं थोड़ी पावर मतलब टिटुलर पावर ओके तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं जिसके पास कम पावर है थोड़ी पावर है उसके पास टिटुलर पावर है यानी कि बहुत कम पावर है सो फ्रेंड्स लेट्स वंस अगेन वी विल रिवाइज ऑल दिस वो कैप सो दैट आप इनको इजीली याद रख सकें देखते हैं टेंथ वाला कौन सा था टिटुलर जिसका मतलब है होल्डिंग एन कॉन्स्टिट्यूटिंग ए फर्मली फॉर्मल पोजिशन और टाइटल विदाउट एनी रियल अथॉरिटी नाम मात्र से ियस फेमस फॉर वेलबींग टिपिकली फॉर इरिटेशन परेशान करना न्यू फिंगलैंड ऑफ द न्यूस स्टाइल नोवीन ढंग का फ्रीवल नॉट है पर्टिकुलर आउटकम संकेत करना रॉकस डिस हार्श यानी कि गंभीर गैरिश ब्राइटी एंड शोई जिसको अपन दिखावटी बोलते हैं एलिजियंस लॉयल्टी निष्ठा या फिर वफादारी एंड प्लेथ्रा अ लार्ज एंड एक्सेसिव अमाउंट ऑफ समथिंग अधिकता या फिर प्रचुरता सो so फ्रेंड्स ये आज के हमारे वो कैब्स है उम्मीद है आपको पंद आए होंगे और आप इनको डेली लाइफ में यूज करेंगे और काफी फायदा उठाएंगे सो so अभी डिस्कस करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे जो कि हमने फिफ्थ ऐप को पूछा था आउट ऑफ द गिवन वर्ड सेलेक्ट द वर्ड विच इज द्लोजेस्ट मीनिंग टू द गिवन वर्ड तो क्लोजेस्ट मीनिंग आपको बताना था अनवर्डली का अनवर्डली का आपको क्लोज मीनिंग बताना था जिसका आंसर था इनजीन्यूएस ओके okay, तो काफी लोगों ने इसका सही आंसर किया है और हमें इस बात की काफी खुशी है और उम्मीद करते हैं आगे भी आप हमें सही और कोश, कोशिश करेंगे सही आंसर देने की डजेंट मैटर इट्स राइट और रॉन्ग यू हैव टू गिव द आंसर ओके दैट इज द फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट यू हैव टू ट्राई इट एटलीस्ट सो फ्रेंड्स देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आउट ऑफ द गिवन वर्ड सेलेक्ट द वन विच इज द क्लोजेस्ट मीनिंग टू द गिवन वर्ड तो जो क्लोजेस्ट मीनिंग है यानी कि सैनानम है वो आपको बताना है जो वर्ड है वो है नीमाइटी ओके तो नीमाइटी वर्ड है साथ में आपके चार ऑप्शन है एंड यू टू गिव द आंसर वाई कमेंटिंग ऑन दिस वीडियो एंड दिस इज कंपलसरी फॉर एवरी वन फ्रेंड्स देखते हैं कितनों का सही होता है और कितने का गलत And friends, if you are not subscribed to our channel team now, then click on this logo to subscribe our YouTube channel for daily videos. And for daily newspaper editorials, vocabs and quiz, download vocab24 app now. And if you enjoyed this video, then don't forget to like and share this video with your friends and give your feedback while commenting on this video. So friends, thank you and all the best for upcoming exam. Hope you like this video.